वय प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्कार मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूँ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में दो ग्रुप्स के मीन के बीच में यदि हमें जो डिफरेंस है उसका सिग्निफिकेंस टेस्ट करना हो इसके बारे में डिस्कशन किया था ये जाना था कि दो ग्रुप्स के बीच में हम लोग डिफ्रेंसिस को कैसे एग्ज़ामिन कर सकते हैं कैसे ये चेक कर सकते हैं कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर एक्सेप्टेड होगा या नहीं होगा आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आज हम लोग जिस मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रसरण विश्लेषण यहाँ पर हम लोग इस मेथड का उपयोग करते हुए किन किन परिस्थितियों में अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं किस प्रकार से अपने रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि टी टेस्ट जो हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में सीखा और अनोवा इन दोनों का पर्पस क्या है और किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करते हैं इन दोनों की बेसिक नेचर को समझकर जब हम लोगों ने टी टेस्ट डिस्कस किया था तो ये जाना था कि टी टेस्ट हमें क्या बताता है सिग्निफिकेंस किसके बीच में ग्रुप्स के बीच में कि यदि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और उनके बीच में कोई डिफरेंस है तो क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये हमने एग्जामिन किया था टी टेस्ट की मदद से अब है अनुवा अनुवा का भी पर्पज है ग्रुप्स के बीच में डिफ्रेंसिस को एग्जामिन करना और यह एग्जामिन करना के, के क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं तो बाय द पर्पज अगर हम लोग सिर्फ पर्पज के रूप में देखें तो दोनों का उद्देश्य बिल्कुल सेम दिख रहा है लेकिन यदि दोनों का उद्देश्य सेम है और दोनों सेम ही एनालिसिस हैं तो इसको हम एक नए मेथड के फॉर्म में क्यों डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं इस सवाल का जवाब स्वयं so, टी का जो ऑब्जेक्टिव है पर्पज है उसी में इनकॉर्पोरेटेड है देखिए जब हम लोगों ने टी कहा तो टी ने हमें क्या बताया मीन डिफरेंस एम वन एम टू दो मीन के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये इसकी स्ट्रेंथ है टी की लेकिन यही इसकी एक लिमिटेशन भी बन जाती है किन परिस्थितियों में यदि हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हो एक और ग्रुप हो उसका भी मीन हो हमारे पास तो इस परिस्थिति में हम लोगों के लिए टी का यूज करना एक उपयुक्त मेथड नहीं होगा तो चूंकि टी की स्ट्रेंथ है दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस को सिग्निफिकेंट है या नहीं है चेक करने में हमारी मदद करना अब यही इसकी एक लिमिटेशन बन गई तो इस कंडीशंस में हम लोगों के पास जो एनालिसिस का मेथड है उसे हम लोग अनोवा कहते हैं तो देखिए टी में हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप्स थे अब हम लोग दो से ज्यादा ग्रुप की कंडीशन में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं जैसे हमारे पास तीन सेक्शंस हैं फॉर एग्जांपल, किसी क्लास के तीन सेक्शंस इस कंडीशन में हम लोगों को यदि ये आइडेंटिफाई करना हो कि ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप थ्री सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन थ्री के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है और ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो हम लोग अनोवा यूज़ करते हैं कभी कभी कुछ लोग इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमें अनोवा की क्या ज़रूरत है हम लोग इस कंडीशन में इन तीन ग्रुप्स के कॉम्बिनेशंस बनाकर भी दो दो ग्रुप्स का एनालिसिस कर सकते हैं और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रुप एक दूसरे से डिफर करते हैं हम उस परिस्थिति को भी यहाँ पर ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये आर्गुमेंट अप्रोप्रिएट है या इस आर्गुमेंट में कोई लिमिटेशन है तो यदि हमारे पास यहाँ पर तीन ग्रुप्स हैं और अब हमें दो दो ग्रुप दो दो के ग्रुप बना के इनका एनालिसिस अगर करना होगा तो मेरे पास क्या होंगे ए टू बी एक ये ग्रुप होगा दूसरा ग्रुप कौन सा होगा बी और सी तीसरा ग्रुप क्या होगा मेरे पास ए और सी तो इस कंडीशन में हमें ये एनालिसिस करने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही है है ना? हम कुछ दो दो के कॉम्बिनेशन बनाकर अपने एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन यदि मेरे पास अब दो से भी ज़्यादा ग्रुप हो, तो क्या होगी कंडीशन इसे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं अगर अब हमारे पास चार ग्रुप हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी अब अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप्स कितने बनेंगे हम इसे भी ड्रॉ करके देख लेते हैं ए टू बी एक ग्रुप बनेगा ए टू सी दूसरा ग्रुप ए टू डी थर्ड ग्रुप देन बी टू सी देन बी टू डी और लास्ट में C to D. तो जैसे ही हमने इसमें एक और ग्रुप ऐड किया तो हमने देखा कि इसके नंबर सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो यदि हम इसी तरीके से एक एक ग्रुप ऐड करें अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में और उसको हमें एनालिसिस करना हो या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो तो उस कंडीशन में हमें इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में टी कैलकुलेट करने होंगे तो इस कंडीशन में यह लॉजिक देना के टी अप्रोप्रिएट होगा या अनोवा अप्रोप्रिएट होगा अपने आप में बहुत क्लियर है तो देखिए जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस भी बढ़ते चले जाएंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है जैसे अगर ग्रुप को हम के माने तो एक कॉम्बिनेशन इस फ्लो में बढ़ेंगे माइनस के इंटू के माइनस वन डिवाइडेड बाय टू तो जैसे यहां पर फोर थे तो फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाय टू छ तो हम देखेंगे यहां पर हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉम्बिनेशन बने लेकिन अभी ये फाइव होगा तो ये कॉम्बिनेशंस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिक्स होगा तो ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन सिर्फ इन कॉम्बिनेशंस को बढ़ने के की ही एक वजह नहीं है कि हम टी क्यों अवॉइड कर रहे हैं वजह इंटरप्रटेशन में भी निहित है जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बढ़ते चले जाएंगे जितने ज़्यादा एनालिसिस के पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा हमारे रिजल्ट को इंटरप्रटेशन करना उसको मीनिंग देना जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा इंटरप्रटेशन उतना ज्यादा डिस्कशन और इसके भी आगे एक और प्रॉब्लम है वो है कि यदि कुछ कॉम्बिनेशंस तो सिग्निफिकेंट हों और कुछ कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंट ना हों तो इस कंडीशन में क्या होगा अब हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट होगा इंश्योर करना कि टोटल सभी ग्रुप्स के बीच में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है और यदि वो डिफरेंस अवेलेबल है तो क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम होगी वो होगी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इंक्लूड होंगे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एनालिसिस इंक्लूड होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी एरर की बढ़ती चली जाएगी ये एरर का कॉन्सेप्ट हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं तो जैसे जैसे हम अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बार बार चेक करेंगे बार बार कॉम्बिनेशंस होंगे तो जो एरर की प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्टेंस की वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएगी इसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के रूप में इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक स्टेटिस्टिकल मेथड अवेलेबल है ये मेथड एफ रेशियो भी कहलाता है तो कहीं कहीं डिस्कशन में कहीं कहीं कॉमन लैंग्वेज में कुछ बुक्स में आप लोग एफ़ रेशियो भी लिखा पाएंगे उसका भी अर्थ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही कहलाता है अब हम लोग एक शॉर्ट व्यू में ये समझते हैं कि जैसे टी का एक ऑब्जेक्टिव था टी का एक इम्पॉर्टेंस था इसी तरीके से अनोवा का क्या ऑब्जेक्टिव है क्या एक इम्पोर्टेंस है तो जैसे टी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे एग्जामिन करना किस पर सिग्निफिकेंस लेवल पर तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होगा मेरे पास वो होगा मोर देन टू ग्रुप्स हम दो ग्रुप्स के साथ भी अनोवा का एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन उस कंडीशन में हमारे पास टी भी अवेलेबल है लेकिन जैसे जैसे दो से ज़्यादा ग्रुप हों उस कंडीशन में हम लोगों को अनोवा एक अप्रोप्रिएट मेथड है और इन दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर एग्ज़ामिन कर ये किसका एम हुआ हमारे अनोवा का तो जो इसका आउटकम होगा वो क्या होगा अनोवा के एनालिसिस का पहला डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना वो पॉसिबल है या नहीं है इंश्योर करना डिफरेंस को उसके बाद ये चेक करना कि ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो इस कंडीशन में भी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल होंगी कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर या वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है तो अब हम लोग आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं कि अनोवा का डिज़ाइन या जो डिज़ाइन हमें अनोवा के एनालिसिस के लिए चाहिए वो किस तरह का होता है अब हम लोग इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से अनोवा को समझने का प्रयास करते हैं तो जैसा हम लोगों ने कहा कि अनोवा में कितने ग्रुप होंगे दो से ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पर दो से ज़्यादा कंडीशंस रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट कंडीशन वन ट्रीटमेंट कंडीशन टू ट्रीटमेंट कंडीशन थ्री ये तीन लेवल पर हमने अपनी ट्रीटमेंट की कंडीशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यदि ये इंडिपेंडेंट है तो तीन इंडिपेंडेंट सैंपल हमारे पास होंगे तो कंडीशन एक में हम मानते सैंपल वन होगा ये जब की कंडीशन है जब ये तीनों ग्रुप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो सेकंड कंडीशन में कौन होंगे सैंपल टू होगा थर्ड कंडीशन में हमारे पास सैंपल थ्री होगा अब अब हम लोग क्या करेंगे इन तीनों सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे मीन वन हमारा मिलेगा मेन टू मेन थ्री तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो अनोवा का डिज़ाइन होता है सिंपली वो किस तरीके का दिखाई देता है तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे पास वो लेवल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपने आईवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है फिर हमारे पास सैंपल होगा सैम्पल का अर्थ है डेटा यहाँ सैम्पल से हम कहना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट और उन पार्टिसिपेंट पे जो हमने मेज़र किया है उससे जो हमें आउटकम मिला है जो हमारे पास डेटा है तो हम यहाँ फॉर एग्जांपल बस इस तरीके से डेटा इंडिकेट कर रहे हैं ये डेटा हमें क्या देगा मीन ट्रीटमेंट वन का ट्रीटमेंट टू का और ट्रीटमेंट थ्री का तो जो एफ होगा वो हमें क्या रिजल्ट देगा कि क्या ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं है, तो क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये हमारी बेसिक फंक्शनिंग है अनोवा के एनालिसिस की अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे अनोवा में किस किस तरह के जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होती है अनोवा की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं अनोवा के क्या अजम्पन्स हैं ये हम लोग आगे की कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे तो अनोवा का जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट वो है फैक्टर आप देखेंगे कि अनोवा का रिजल्ट अधिकतर इसी टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस किया गया होता है फैक्टर ए फैक्टर बी फैक्टर सी तो कॉमनली जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है फर्स्ट उससे ही हम लोग अनोवा की टर्मिनोलॉजी में फैक्टर का टर्म यूज़ करते हैं कॉमनली ये जो फैक्टर है इसे हम लोग ए बी सी डी इस तरह के नोटेशन देकर डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद जो हमारा ये फैक्टर है ये और क्या हमें शो करता है हमारी ट्रीटमेंट कंडीशन तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें हमने किन ट्रीटमेंट कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है ये भी हम लोग फैक्टर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसे जब डिनोट करना होता है तो भी हम लोग अनोवा के टर्मिनोलॉजी में फैक्टर के वर्ड से डिनोट करते हैं ये सब चीजें क्या हैं ये सब वो प्रोसेस है वो फैक्टर्स हैं जो मैनिपुलेट किए हैं एक्सपेरिमेंटर ने सिस्टमेटिकली वो सारी करेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ताकि इंश्योर किया जा सके के जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का ही परिणाम है यहां पर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स मिलते हैं तो जैसा यहां पर लिखा है टाइप ई e या टाइप एस टाइप ई का अर्थ है उस तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिन्हें एक्सपेरिमेंटल खुद सिस्टमेटिकली प्लान करके मैनिपुलेट कर सकता है या करता है जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जिससे हमारा एक्सपेरिमेंटर खुद अपने प्लान के अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट कर देगा लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंटर अपने आप या किसी तरह की कंडीशंस क्रिएट करके मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है उस तरह के वेरिएबल्स को वो सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जैसे यदि हमें एज जेंडर ये हमारे रिसर्च के वेरिएबल हैं तो हम किसी का जेंडर मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं हम लोग सेलेक्शन के समय अपने दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स को पार्टिसिपेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो जो इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं कॉमनली ये डेमोग्राफिक रिलेटेड वेरिएबल होते हैं इन वेरिएबल्स को हम लोग एस वेरिएबल कहते हैं और वो वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर खुद अपने सिस्टमेटिक प्लान के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है मैनिपुलेट कर सकता है उसकी कंडीशन को हम लोग टाइप ई वेरिएबल कहते हैं अब ये जो टाइप एस वेरिएबल हैं इन्हें हम लोग क्लासिफिकेशन या सिलेक्शन रिलेटेड फैक्टर या वेरिएबल भी कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन हम लोग सिलेक्शन के थ्रू करते हैं और जो आउटकम होता है वो कुछ क्लासिफिकेशंस मतलब कुछ ग्रुप्स के फॉर्म में इमर्ज होता है तो इसीलिए इसे सिलेक्शन या क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्तर स्तर मीज लेवल मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कौन कौन से लेवल हैं या उन्हें किन किन लेवल्स पर मेज़र किया गया है तो हम लोग यहाँ एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेवल्स किस प्रकार से होते हैं जैसा अभी हम लोगों ने टाइप ई e वेरिएबल के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया था टेम्परेचर तो यहाँ जो टेम्परेचर है यदि एक फैक्टर है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं ये टेम्परेचर को तीन लेवल पे फॉर एग्जांपल मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हुआ वो हुआ मेरा वेरिएबल और फैक्टर और उसके ये तीन लेवल्स हुए लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तो अनोवा की टर्मिनोलॉजी में जब हम लोग लेवल वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ है कि जो वेरिएबल है जो फैक्टर है उसे किस लेवल पे मेज़र किया गया है उसके कितने लेवल्स हैं या उसके कितने डायमेंशंस हैं ये हमारा कारक के मूल्य निर्धारित करता है एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे कंडीशंस हम ये देखना चाहते हैं कि अगर तीन तरह की स्टडी की हैबिट्स हैं फॉर एग्जांपल पहला है सेल्फ स्टडी सेकंड है ऑनलाइन क्लासेस और थर्ड है क्लासरूम टीचिंग अगर ये तीन कंडीशंस हैं तो इन तीन कंडीशंस में भी हम लोग अनोवा कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर भी हमारे पास तीन लेवल हो गए किसके हमारे वेरिएबल के इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो जैसे एज वेरिएबल है एज के वेरिएबल के भी हम लोग तीन ग्रुप्स बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं ट्वेंटी टू थर्टी एज ग्रुप के जो लोग हैं हम उन्हें ग्रुप ए में रखते हैं फिर थर्टी वन टू फोर्टी इस एज ग्रुप के लोगों को हम लोग दूसरे ग्रुप में रखते हैं देन फोर्टी वन टू फिफ्टी इस एज ग्रुप के लोगों को हम लोग थर्ड ग्रुप में रखते हैं तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम लोग अपने फैक्टर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लेवल हमारे अनोवा की टर्मिनोलॉजी में इसके बाद अनोवा में हम लोग दो एंड देखेंगे यूज़ करते हुए उसमें जो स्मॉल एन होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या डेटा इन अ सिंगल ग्रुप जैसे अगर यहाँ पर एक ग्रुप है और इसमें तीस लोग हैं अगर तो यहाँ पर स्मॉल एन होगा मेरा थर्टी क्यों क्योंकि ये स्मॉल एन उस ग्रुप के उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने पार्टिसिपेंट हैं या डेटा पॉइंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है उसके बाद कैपिटल एन तो जो कैपिटल एन है वो मेरी स्टडी के मेरे डिज़ाइन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं उनके टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर थर्टी हैं यहाँ पर भी थर्टी हैं और यहाँ पर अगर मेरे पास ट्वेंटी फ़ाइव हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास होंगे टोटल एन 85 फाइव स्मॉल एन उस ग्रुप का एन कैपिटल एन टोटल एन अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशंस या कंडीशंस बुक्स में ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस ट्रीटमेंट कंडीशंस भी शब्द आपको मिल जाएंगे हम आज अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस या कंडीशंस किसे कहते हैं तो ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशनस या ट्रीटमेंट कंडीशंस कॉमनली फैक्टोरियल डिज़ाइन में हमें देखने को मिलती हैं चूँकि अभी हमने फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं पढ़ा है तो अब हम लोग पहले एक बार फैक्टोरियल डिज़ाइन का आपको ड्रॉ करके दिखाने का प्रयास करते हैं तो फैक्टोरियल डिज़ाइन कुछ इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं तो हमने माना एक हमारा वेरिएबल है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ए उसके तीन लेवल हैं उसके बाद एक और वेरिएबल है वो है हम उसके लेवल हैं हमारे पास एक्स वाई जेड तो ग्रुप ए के तीन लेवल हुए हमारे पास ए बी सी ग्रुप टू के तीन लेवल हुए सॉरी वेरिएबल टू के एक्स वाई जेड अब जब हम इन लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कुछ इस तरह का एक टेबल मिलेगा तो यहां पर दोनों वेरिएबल मेरे रिप्रेजेंट हो रहे हैं दोनों डायमेंशन पे वेरिएबल वन वेरिएबल टू तो यहाँ आप देखोगे कि हमारे पास अभी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कितने ए का एक्स के साथ यहां पर बी का यहां पर सी तो यदि हमारे पास थ्री इंटू थ्री का डिजाइन होगा यहां आपने देखा थ्री थ्री तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे वो होंगे नाइन तो जब हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन हमें काम में आएंगे जब हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने रिजल्ट का तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशंस ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन और द ट्रीटमेंट कंडीशंस इन अनुवा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी uh, है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग कहते हैं मेन इफेक्ट मेन इफेक्ट का क्या अर्थ है मेन का क्या अर्थ होता है मुख्य एक एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा मुख्य या इम्पॉर्टेंट हमारे एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या होता है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट में इसी के पर होने वाले मैनिपुलेशन का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं तो मेन इफ़ेक्ट का मतलब हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक कोई एक वेरिएबल कोई एक फैक्टर जिसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हों और उन लेवल्स का इफेक्ट सिर्फ उन्हीं लेवल्स का ये हमारा होता है मेन इफेक्ट इन तीनों का इफेक्ट दूसरा हमारे पास होता है इंटरेक्शन इफेक्ट तो इंटरेक्शन इफेक्ट किस कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल अवेलेबल हों इंटरेक्शन इफेक्ट को हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं जैसे दो वेरिएबल अभी हम लोग लेते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तो जैसे जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ बहुत गर्मी हो गई है तो उससे हमारे कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है हमें स्ट्रेस हो रहा है इस वेरिएबल के साथ साथ अब हम लोग एक और वेरिएबल इसमें इंक्लूड करते हैं ह्यूमिडिटी तो उसके बाद हम लोग क्या कहना शुरू करते हैं कि टेम्परेचर तो ठीक था ए है ये सब है कूलर है मैनेज हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो यहाँ आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है किसके ऊपर वर्क परफॉर्मेंस या स्ट्रेस के ऊपर ये किसके द्वारा और मैनिपुलेट हो रहा है या किसके द्वारा और ऑल्टर हो रहा है ह्यूमिडिटी तो इंटरेक्शन का अर्थ हुआ जब एक वेरिएबल का प्रभाव दूसरे वेरिएबल में होने वाले मैनिपुलेशन या चेंजेस के कारण से बदल जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्शन सिंपली एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट तो जब वो दोनों मिलके जो इफेक्ट डालते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट तो इंटरेक्शन इफेक्ट के बाद अब हम लो हम लोग आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अनोवा की जो डिफरेंट एजम्पन्स हैं उनके बारे में अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं तो अनोवा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक एजम्पन्स को कंप्लीट करना एसेंशियल है यदि ये एजम्पन्स फुलफ़िल नहीं होती हैं हमारे डेटा या हमारे रिसर्च डिज़ाइन में तो अनोवा का एनालिसिस करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पहली एजम्पन है वो है सैंपल सिलेक्शन हालांकि सैंपल सिलेक्शन किसी भी रिसर्च की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग किस तरीके से अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं यदि वो बायस्ड हो गया तो हमारा रिजल्ट भी पूरा बायस्ड होगा सिमिलरली अनोवा के डिजाइन में भी जब हम लोग सैंपल सेलेक्शन करें तो वो रैंडम मेथड्स से हो और वो जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो अनबायस्ड हो अर्थात जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जितने भी हमारे पास या कहिए जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशंस में लोग हैं उनके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी हो किस में सेलेक्ट होने की हमारे सैम्पल में सेलेक्ट होने की उसके बाद उस सैंपल में भी जितने हमारे पास सैंपल में पार्टिसिपेंट हैं उन सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी हो किस चीज की कि जो भी ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं उनमें से वो किसी का भी पार्ट बन सके तो रैंडम सेलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अजम्पशन है हमारे अनोवा के लिए अब दूसरी अजम्पशन है जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में ये जाना था कि जब हमारा डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो किस प्रकार का दिखता है तो जब हम लोग अपने एनालिसिस अनोवा को अनोवा एनालिसिस को इनिशिएट करें तो उससे पहले हम लोग अपने डेटा में ये इंश्योर कर लें कि हमारा डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हमारा डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो किस तरह का दिखेगा जैसा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में डेटा का डिस्पर्जन शो होता है मैक्सिमम डेटा हमारा मिडिल में लाई करता हो प्लस वन माइनस वन एस के बीच में जेड स्कोर के बीच में और उसके बाद हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दोनों टेल किस तरफ जाते हुए धीरे धीरे कम होता चला जाए तो हमारे डेटा में डेटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अनुवा के लिए एक एसेंशियल अजम्पशन है उसके बाद जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। हम लोग लास्ट की क्लासेस में वेरिएंस का अर्थ पढ़ चुके हैं होमोजेनिटी भी पढ़ चुके हैं तो बहुत ही छोटे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास अनोवा में जो ग्रुप्स हो, उनका जो डेटा पॉइंट हो जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो वो होमोजेनियस हो वो आपस में उनके अंदर एक्सट्रीम स्कोर्स होने की पॉसिबिलिटी कम हो और जो दोनों ग्रुप्स हैं हमारे दोनों ग्रुप्स में जो डेटा है दोनों ग्रुप्स में डेटा होमोजेनियस हो और हमारे डेटा में नंबर ऑफ एक्सट्रीम स्कोर कम हो नंबर ऑफ़ आउटलेयर्स की पॉसिबिलिटी कम हो एक अगर हमारे ग्रुप में हमारा डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है तो हमारे दूसरे ग्रुप में भी वो डिस्पर्जन उसी के जैसा हो नहीं तो हमारे अगर एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन है बहुत ज़्यादा वेरिएंस है और दूसरे ग्रुप में अगर वेरिएंस उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट होगा अनोवा का वो समाव डिस्टोर्टेड होगा तो अभी तक हम लोगों ने अनोवा की बेसिक एजम्पन अनोवा का मीनिंग अनोवा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू किया था अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम अनोवा कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनोवा की कैलकुलेशंस को किस प्रकार से किया जाता है इसे एक नूमेरिकल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं अनोवा के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को समझने के लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है इस हाइपोथेटिकल डेटा में हम लोगों ने तीन ग्रुप्स को कंसीडर किया है हमने माना है कि हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं और उन तीन ग्रुप्स में यह एक हाइपोथेटिकल डेटा है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे ग्रुप तो माना यह ग्रुप ए है उसके बाद ग्रुप बी उसके बाद ग्रुप सी अनोवा के लिए हम लोगों को दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स की जरूरत होती है तो हम लोगों ने माना ये तीन ग्रुप्स मान लिए अब हम लोग इसमें अपना डेटा पुट करते हैं ये डेटा हाइपोथेटिकल है माना जो ग्रुप ए है उसके जो पार्टिसिपेंट ए है उसका स्कोर है एट हम यहां पर पहले पार्टिसिपेंट का नंबर लिख रहे हैं एट फिर फाइव एट सिक्स उसके बाद पार्टिसिपेंट ग्रुप टू के लिए नाइन सिक्स फाइव फोर सिक्स देन सेवन सिक्स सेवन एट थ्री ये हो गया हमारे पास एक्स का स्कोर डेटा पॉइंट्स हमारे अब अनोवा कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं इनका स्क्वायर करते हैं तो अगर हमारे पास ये पॉइंट हैं तो अब हम लोगों को क्या कॉलम जनरेट करना है सभी के पॉइंट्स के लिए स्क्वायर तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वन का ग्रुप टू का एक्स स्क्वायर ग्रुप थ्री का एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर होंगे सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एट्टी वन थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर नाइन तो अब हम लोगों के पास कौन सी दो वैल्यूज आ गई हैं समीशन एक्स और समीशन एक्स स्क्वायर तो समीशन एक्स यहां पर क्या होगा X1, 3, 3, 33. एक्स वन थ्री थ्री थर्टी थ्री समीशन एक्स स्क्वायर टू टू फाइव ये कैलकुलेशंस हम लोगों ने पहले से की हैं उसके बाद यहां पर समीशन एक्स टू थर्टी समीशन एक्स टू का स्क्वायर वन नाइन फोर समीशन एक्स थ्री थर्टी वन समीशन एक्स थ्री स्क्वायर में टू जीरो सेवन यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल एन है वो कितना होगा हर ग्रुप के लिए फाइव तो जो टोटल एन होगा वो हो जाएगा फिफ्टीन अब हम लोगों को इसमें नेक्स्ट स्टेप इनिशिएट करना है तो अनोवा कैलकुलेट करने का नेक्स्ट स्टेप है समीशन एक्स कैलकुलेट करना कैपिटल में हम थोड़ा स्पेस लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए जगह हो समीशन एक्स तो समीशन एक्स होगा समीशन एक्स वन प्लस समीशन एक्स टू प्लस समीशन एक्स थ्री तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो होंगी थर्टी थ्री प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन तो इनका जो टोटल आया वो आया हमारे पास नाइन्टी फोर तो नेक्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया समीशन एक्स अब हम लोगों को जानना है समीशन एक्स स्क्वायर तो समीशन एक्स स्क्वायर होगा समीशन एक्स वन का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स टू का स्क्वायर प्लस समीशन एक्स थ्री का स्क्वायर ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं तो वो हमें मिली हैं टू टू फाइव प्लस वन नाइन फोर प्लस टू जीरो सेवन तो देखिए समीशन एक्स वन कहाँ पर था ये रहा हमारे पास समीशन एक्स टू समीशन एक्स थ्री इसी तरीके से समीशन एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए हम लोगों ने ये टास्क ये स्टेप पहले ही कंप्लीट कर लिया तो अब हमारे पास आया समीशन एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारे पास आई सिक्स टू सिक्स अब हम लोगों को अनोवा के नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ आगे बढ़ना है तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जब जरूरत होगी तो लास्ट स्लाइड पे जाकर वहां से वैल्यूज देख लेंगे तो अनोवा कैलकुलेट करने के लिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है करेक्शन टर्म कैलकुलेट करना सी कैलकुलेट करना तो करेक्शन टर्म या सी होता है समीशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना था 94 तो यहां पर जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो हमारी कैलकुलेशन से हमें सी मिला वो मिला 589.07 अब हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए जो हमें एक और वैल्यू चाहिए वो हमारे पास है सी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना टोटल का तो टोटल का सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस सी सी की वैल्यू हमारे पास है समीशन एक्स स्क्वायर हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था यहां पर अब हम लोग यही वैल्यूज आगे लिखते हैं समीशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी सिक्स टू सिक्स माइनस सी की वैल्यू हमें ऊपर है फाइव एट नाइन पॉइंट जीरो सेवन तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल कैलकुलेट हुआ थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन थ्री अब अनोवा कैलकुलेट करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप कैलकुलेट करना सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समीशन एक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन दैट मीन्स स्मॉल एन उस ग्रुप में जितने लोग हैं प्लस समीशन एक्स टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस समीशन एक्स थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सी तो ये नंबर्स अब हम लोग आगे लिखते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी थर्टी थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव प्लस थर्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव प्लस थर्टी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव और इसमें से हमें क्या माइनस करना है सी की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास है फाइव एट नाइन पॉइंट ज़ीरो सेवन हमने कैलकुलेशंस की और इन कैलकुलेशंस को करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो है 0.9 अब इस कैलकुलेशंस में आगे के स्टेप्स पर हम लोग बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप विद इन ग्रुप अनोवा के अगर एग्जाम्पल को आप विजुअलाइज करेंगे तो आप देखेंगे उसमें दो चीज़ें हैं एक जो तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है और एक डिफरेंस जो उसके पार्टिसिपेंट विद इन विद इन की वजह से जो हमारे पास वेरियंस है वो तो जब हम अनोवा का एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों ही डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो इसका एग्जा uh, इस फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग पहले अभी कैलकुलेट कर चुके हैं तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन है अब हमें क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख कर आगे की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करना है तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई थर्टी सिक्स तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने अनोवा के कैलकुलेशंस के कुछ स्टेप्स को कंप्लीट किया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की नेक्स्ट कैलकुलेशंस को करते हैं तो जो नेक्स्ट कैलकुलेशंस हैं अभी हम लोगों को क्या करना होगा एक टेबल बनानी होगी और उस टेबल में जो वैल्यूज़ अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की हैं उस टेबल में हम लोग इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अनुवा में जो सोर्स ऑफ वेरिएंस है उसकी हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात की थी तो जो वो पॉसिबिलिटीज़ थी सोर्स ऑफ वेरिएशन वो कितनी थी टू एक बिटवीन ग्रुप group, उन ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो और विद इन ग्रुप जो पार्टिसिपेंट हैं उस ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट हैं उनके कॉज से जो हमारे पास वेरिएंस आया है तो यहाँ पर भी हम लोग जो पहला कॉलम बनाएंगे उसमें लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन अब हम लोग नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे वो होगा सम ऑफ स्क्वायर्स जो हम लोगों ने अभी लास्ट में कैलकुलेट किए हैं नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग अभी अनोवा के सेंस में कैलकुलेट करेंगे डीएफ का मीनिंग हम लोग लास्ट की क्लासेस में क्लियर कर चुके हैं नेक्स्ट इस कॉलम में होगा मीन स्क्वायर और इन सब कैलकुलेशंस के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी एफ की वो हम लोग यहां पर लिखेंगे तो सोर्स ऑफ वेरिएशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन सा होगा बिटवीन ग्रुप दूसरा कौन सा होगा विद इन ग्रुप और ये टोटल मान लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यूज कितनी आई थी बिटवीन की हमारे पास है पॉइंट नाइन थ्री और विद इन की है थर्टी सिक्स so, यहां पर बिटवीन की है जीरो पॉइंट नाइन थ्री और विद इन ग्रुप के लिए हमारे पास थर्टी सिक्स तो इनका टोटल हो गया थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन थ्री टोटल वेरियंस हमें मिल गया अब डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है अगर हमें बिटवीन ग्रुप निकालना है तो ग्रुप्स का मतलब हुआ के तो अगर हमें बिटवीन ग्रुप कैलकुलेट करना है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी माइनस वन तो यहां पर हमारे पास कितने ग्रुप थे तीन तो तीन में से एक गया बचे दो तो बिटवीन ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई टू अब डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप इसका फॉर्मूला है एन माइनस के एन हम लोगों ने डिस्कस किया था एन क्या है टोटल नंबर वो कितना है हमारे पास पंद्रह ग्रुप के कितने हैं हम लोगों के पास तीन तो ये हो गई हमारे पास ट्वेल्व तो बिटवीन ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम टू विद इन ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्वेल्व टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्टी अब हमें कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर तो जो मीन स्क्वायर होगा वो होगा यहां पर थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो जीरो जो मीन स्क्वायर हमारे पास होगा विद इन ग्रुप वो होगा थर्टी सिक्स ये कैसे कैलकुलेट हुआ सॉरी नॉट थ्री थ्री और ये कैल कैसे कैलकुलेट हुआ सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जैसा यहाँ पर पॉइंट नाइन थ्री था टू से डिवाइड किया फोर पॉइंट फोर सिक्स उसके बाद थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व थ्री टोटल की हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो एफ का फॉर्मूला है उसमें हमें मीन स्क्वायर बिटवीन और मीन स्क्वायर विदिन के नंबर्स की ही जरूरत होती है तो एफ या एफ रेशियो का फॉर्मूला है मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर Within, इन मेन स्क्वायर बिटवीन की वैल्यू है हमारे पास पॉइंट फोर सिक्स फाइव विद की वैल्यू है हमारे पास थ्री तो जो F की वैल्यू आई वो आई जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव तो यहां तक हम लोगों ने अभी F की कैलकुलेट की एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ गई लेकिन अभी भी हमारे पास एक स्टेप बचा है वो है ये एग्जामिन करना कि क्या ये एफ़ की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है इसके लिए हम लोगों को एफ़ टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते हुए ये देखना है कि वहाँ पर टेबल की वैल्यू क्या है और उस टेबल की वैल्यू से और हमारे कैलकुलेटेड एफ़ की वैल्यू से हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि ये ग्रुप का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो हम लोग अब आगे देखते हैं टेबल तो एफ़ की जो टेबल है वो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी जहाँ पर आपको दो तरफ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे जो ऊपर वाला है वो है ग्रुप्स के लिए तो ग्रुप्स के बीच में जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो थी टू हम लोग देख लेते हैं बिटवीन ग्रुप के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टू और विद इन ग्रुप के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्वेल्व तो अब हम लोगों को टू और ट्वेल्व कंसीडर करते हुए पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो वन पर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो हम देखते हैं टू के पैरलर ट्वेल्व पर तो जो हमें वैल्यूज मिली वो है ये तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो है पॉइंट जीरो फाइव के लिए और जो नीचे वाली वैल्यू है वो है पॉइंट जीरो वन के लिए अब हम लोग यह एग्जामिन करते हैं कि क्या हमारा ग्रुप डिफरेंस सिग्निफिकेंट था या नहीं तो जो टेबल की वैल्यू हैं वो पॉइंट ज़ीरो फाइव पर और पॉइंट ज़ीरो वन पर थी हमारे पास थ्री पॉइंट एट एट एंड पॉइंट ज़ीरो वन पर थी सिक्स पॉइंट नाइन थ्री तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटेड एफ़ दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा कम है इसका अर्थ हुआ कि इन ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो यदि जो दोनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका नल हाइपोथेसिस की टर्म में क्या मीनिंग हुआ हम अब ये कह सकते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई क्योंकि नल हाइपोथेसिस भी यही क्लेम करती है कि इन ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा और हमारे रिजल्ट ने भी हमें यही बताया कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है सॉरी तीनों ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो इस कंडीशन में हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं अनुवा के ही आगे डिस्कशन में एक कंपैरिजन होता है जिसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये तीनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं या सिर्फ तीनों ग्रुप्स में कोई एक ग्रुप या दो ग्रुप डिफरेंट हैं और बाकी उन्हीं के डिफरेंस की वजह से हमारे एफ़ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आई है तो हम लोग पोस्ट होक एक एनालिसिस होता है उसके माध्यम से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सभी ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो आगे जब आप हायर पढ़ेंगे तो आप अनोवा के साथ साथ पोस्ट ऑक एनालिसिस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे आज के लेक्चर में हमारी तरफ से इतना ही हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो थैंक यू